नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सब माताओं के बारे में जो बहुत ही परेशान हैं। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो बच्चों का पढ़ाई में कैसे मन लगाएं, उसके लिए क्या उपाय करें और कौन से उपाय करने से हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, सभी कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन अब तक यदि चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। बात करेंगे बच्चों का पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाए। बच्चे आपके पढ़ते नहीं हैं या पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ उनको याद नहीं रहता। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि ये सब चीज़ें किससे होती हैं। पढ़ाई में मन लगाना और पढ़ाई में ध्यान लगना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो इन दोनों के लिए हमें किस किस को मजबूत करना होगा? आपके बुध को और आपके ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति को। तो कैसे ठीक करें इन दोनों ग्रहों को, आइए जानेंगे। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या फिर पढ़ के भूल जाता है तो हमें करना होगा उसकी बुद्धि का विकास। और उसकी बुद्धि के विकास के लिए हम उसके बुध देव को एक्टिव करना होगा। और वो करने के लिए जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ता है, अगर वो नॉर्थ में पढ़ता है तो बेस्ट है नॉर्थ कलर के अंदर आप कोई भी ग्रीन कलर का एलिमेंट लगा दीजिए, कोई ग्रीन कलर के पर्दे दे दीजिए, ग्रीन कलर की पेन दे दीजिए उसको, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ग्रीन कलर उसके साथ में होना चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ आपका बच्चा बैठ के पढ़ता है वहाँ एक छोटी सी माँ सरस्वती की यदि आप तस्वीर लगा सकते हैं तो आपके बच्चे के ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि होगी। और साथ ही साथ जिस भी विषय पर वो पढ़ाई करेगा वो उसको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। क्योंकि अक्सर बहुत सारी महिलाओं की शिकायत होती है कि बच्चा पढ़ाई के टाइम पे तो बिल्कुल याद करके जाता है और जैसे ही एग्ज़ाम देने लगता है तब वो चीज़ें भूल जाता है। तो अगर आप ये ग्रीन कलर की एनर्जी और माँ सरस्वती की तस्वीर वहाँ रखेंगे तो उससे उनका ऑरा एनहांस होगा और साथ ही साथ उनकी बुद्धि का विकास भी होगा। ये तो था एक उपाय जो आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा महा उपाय, गायत्री मंत्र का जाप। कहते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र के अंदर सभी कुछ एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है। यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाई में बहुत आगे करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं और ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया भी है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे भी आए हैं। करना क्या है, आपने एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, उस माला को लेकर आपने 108 बार माँ गायत्री का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक एक मन का नीचे आपने रखनी है पानी की कटोरी, एक एक मन का आप उस पे करते जाइए और वो नीचे से डूबी रहनी चाहिए पानी में। जिस जिस तरीके से आपका वो मन का उस गायत्री मंत्र का जाप का वो पानी उसके अंदर माला घूमेगी, उस तरीके से वो पानी अभिमंत्रित होकर गायत्री मंत्र की पॉजिटिव एनर्जी लेकर तैयार हो जाएगा। ये पानी आप डेली अपने बच्चे को पिलाइए, गायत्री मंत्र के जाप का पानी। जैसे ही बच्चा ये पानी पीना शुरू करेगा आप देखिएगा दिनों दिन उसके अंदर विकास होना शुरू हो जाएगा, उसकी बुद्धि का विस्तार होगा और वो उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा, साथ ही साथ उसकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप मात्र 21 दिन ये लगातार करके अपने बच्चे को पिला देते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आपको रिजल्ट विद इन 21 डेज देखने को मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि ये उपाय आपने रेगुलर किया और इसके क्या रिजल्ट रहे। हालांकि मैं रिजल्ट जानती हूँ कि पॉजिटिव ही रिजल्ट्स आते हैं। गायत्री मंत्र का जाप अपने आप में बहुत पॉजिटिव होता है और जब आप अपने मन में ये धारण करेंगी कि ये गायत्री मंत्र का जाप मैं बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए कर रही हूँ तो आपको निश्चित ही उससे अच्छे लाभ मिलेंगे। आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको कुछ उपाय बताए जिसमें एक गायत्री का जाप, ग्रीन कलर की एनर्जी और साथ ही साथ हमने आपको बताया इसके अंदर कि आप अपने बच्चे की बुद्धि का विकास कैसे करें। अगला उपाय सिर्फ एक छोटा सा उपाय होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे को सिर्फ एक बीज मंत्र का जाप सिखा दीजिए। वो बीज मंत्र है एंक। जी हाँ, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। जैसे ही बच्चा इसका निरंतर जाप करना सीख जाएगा, जाप करने से मतलब ये है
कि वो हाथ जोड़ के 5 मिनट भगवान की प्रेयर करता है या कुछ भी करता है, आप उसको सिखाइए कि वो एम के मंत्र का जाप करें। इससे उसकी बुद्धि का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ उसके अंदर सतोगुण की उत्पत्ति भी होने लग जाएगी, सतोगुण उत्पन्न होने लगेंगे। सिर्फ एक एम के बीच का मंत्र जाप उसके बुद्धि का विकास कर सकता है। कुछ एक ऐसे उपाय जो मैंने आपको बताए कि आप अगर इनको एग्ज़ाम टाइम में करते हैं तो रिज़ल्ट इसके 100% पॉजिटिव आते हैं। उपाय कीजिए और रिज़ल्ट मुझे बताइए। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, आपकी समस्याओं का कुछ और समाधान लेकर, आपकी नई कुछ जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे भेज सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। वास्तु की सलाह लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की पत्री दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।